दिल्ली के अंदर और पूरे भारत में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है विकास के अंधी दौड़ में, उससे पूरे दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट अब डायरेक्ट लोगों के ऊपर पड़ने लगा है। हमने देखा है कि खास तौर से दिल्ली में इस साल हीट वेव का प्रकोप जिस तरह से दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा है, पूरे देश के लोगों को झेलना पड़ा है, उसी तरह से जिस तरह से वर्षा पहले ही दिल्ली की जो बारिश हुई वो इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। एयर पोल्यूशन के समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं और उसे कम करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के पॉलिसी का निर्माण हो रहा है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज के जो सोर्सेज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उन सोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें नियंत्रित किया जाए, उसके लिए पूरे दुनिया में पॉलिसीज बन रही हैं। भारत सरकार ने भी उसको लेकर के लगातार पॉलिसी बनाने का, उसको लेकर के चिंतन करने का काम किया है। दिल्ली के अंदर 2019 में दिल्ली की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद तेजी के साथ उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 2019 की पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए दो साल पहले प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी, उसके लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एक कोर ग्रुप बनाया गया दिल्ली के अंदर, जिसमें सेवरल्स अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट की गई। कोर ग्रुप द्वारा जो प्रस्ताव आया उसको फाइनल करने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। उस स्टीयरिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी क्लाइमेट चेंज का दिल्ली के लिए उन्होंने प्रपोज किया। आज दिल्ली के अंदर उस ड्राफ्ट पॉलिसी पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ ये राउंड टेबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें खास तौर से जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया केंद्र की सरकार ने जर्मन टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप GIZ के साथ जो है मिल करके ये पूरे देश में पॉलिसी बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली में भी इस ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया और उसके आधार पर ड्राफ्ट पॉलिसी बनी, जो ये 40 अलग अलग इम्पॉर्टेंस ग्रुप हैं उनकी लिस्ट हम आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें खास तौर से जैसे IIT दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एनर्जी एंड रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट टेरी, उसी तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, उन सारों ने आज पार्टिसिपेट किया है। खास तौर से जो पूरी पॉलिसी है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें 7 सेक्टर्स को फोकस
करके डेवलप की गई है, जिसमें पहला है एनर्जी ऊर्जा और जो बिजली का क्षेत्र है कि उससे कैसे क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे कंट्रोल किया जाए उसका जो इम्पैक्ट है। उसके अलावा शहरी नियोजन, खासतौर से जो कूड़ा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन है, उसका जो इम्पैक्ट है। तीसरा जो है वाटर, जल प्रबंधन को लेकर के, जो जल के संसाधन है उसको लेकर के इस पर फोकस किया गया है पॉलिसी में। चौथा जो है फॉरेस्ट को लेकर के, जो ग्रीन बेल्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के फोकस है। पांचवा जो इस पॉलिसी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट परिवहन को लेकर के, कि उसको कैसे जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पूरे क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। छठा जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर के है। और सेवन जो पॉइंट है कि हेल्थ, स्वास्थ्य पे कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा जो सोर्स है उसका जो मनुष्य के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, अलग अलग जीव जंतुओं पे हो रहा है वो हेल्थ को। तो सेवन पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है एरिया चिन्हित किया गया है इस पॉलिसी में और उसके आधार पर इस पॉलिसी को बनाया गया है। आज के जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन है, जो इस आज के राउंड टेबल के बाद इस पॉलिसी को फाइनल करके दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और फिर उनके सुझाव के बाद जो है फिर ये फाइनल होगी। अभी जो मैं डीपीसीसी के और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहूँगा कि क्विकली एक प्रेजेंटेशन जो है छोटा सा वो क्विकली जो है वो आपके सामने रख देंगे। स्क्रीन पे आपको इस साइड भी है और इस साइड भी स्क्रीन है, सामने तो कैमरे से ढका है तो आपको दिख जाएगा। क्विकली आप बस उसको आप प्रेजेंट कर दें। गुड आफ्टरनून, मैं जय कुमार गौरव, मैं GIZ के लिए काम करता हूँ और हमने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इसमें सपोर्ट किया है। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है और आज हमें अच्छे इनपुट्स मिले हैं जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए थे यूनिवर्सिटीज से, उनसे जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मेन सेक्शंस क्या क्या हैं इसमें। बेसिकली एनर्जी सेक्टर है इसका, तो इसमें एक टारगेट है 750 मेगावाट रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2027 तक और 3750 ग्राउंड माउंटेड जो दूसरे राज्यों में लगेगा, और 2041 तक 50% जो पावर कंजम्पशन है दिल्ली वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। सोलर सिस्टम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे इंस्टॉल करने का, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल होंगे और बिल्डिंग बायलॉज में ये इन्फोर्स करा जाएगा कि जो भी बिल्डिंग 105 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया की है तो उसके ऊपर सोलर रूफटॉप मैंडेटरी होगा दिल्ली में। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स ओखला, गाजीपुर, बवाना और तहलखंड में 84 मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। एनर्जी इफिशेंसी का जो सेक्शन है रिपोर्ट में, उसमें 100% सैचुरेशन होने का सजेशन है LED बल्ब, ट्यूबलाइट, एनर्जी इफिशेंट फैन और स्ट्रीट लाइट्स का। इसके अलावा फैन और AC रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रूवल के बाद स्टार्ट होगा। और AT&C लॉसेज जो है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज, उनको 8% से कम रखने का टारगेट है। और इसके अलावा 2041 विजन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबके पास स्मार्ट मीटर्स हैं। इसके अलावा 18,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स 2026 तक और 30,000 प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन के लिए। इसके अलावा एक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम लॉन्च करी जाएगी जिसमें जितने भी ये लास्ट माइल डिलीवरी वाले हैं, ई कॉमर्स वाले हैं, उनका जो उनकी जो फ्लीट होगी वो 100% EV की फ्लीट होगी, उसमें कोई भी पेट्रोल डीजल CNG व्हीकल्स यूज नहीं होंगे। ऐसा ये अभी स्कीम अंडर अप्रूवल है, इसमें 2030 का टारगेट है इसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन EVs का। और बस डिपोज को भी इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे बात करें, जैसे गर्मी बढ़ रही है या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से, तो जितना भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड करने से उसमें उसका जो एडाप्टिव कैपेसिटी है मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होगा बिकॉज ऑफ बैड वेदर। इसके अलावा जो रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जाएंगी और सोलर का प्रमोशन करने की बात कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जितने भी तरह तरह के वेस्ट हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, और सबको ऐसा प्लानिंग है कि सारा जो भी वेस्ट जनरेट होता है दिल्ली में उसको अच्छे से प्रोसेस करके 100% ट्रीटमेंट का टारगेट है। उसके लिए जो भी कैपेसिटीज की जरूरत है वो प्लान है, या तो दिल्ली के विद इन दिल्ली या फिर दिल्ली नेबरिंग एरियाज। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीन, 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 210 वाटर स्प्रिंकलर्स और 18 डंप व्हीकल्स एंड वाटर टैंकर्स का प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो यमुना फ्लड लेन है उसमें भी ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट और डीपनिंग ऑफ ओल्ड रिवर चैनल्स प्रपोज। रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए गाइडलाइंस होंगी, कोड्स होंगे, जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बन रहा है जो PWD बनवा रही है, PWD डिपार्टमेंट वो मास्टर प्लान बना रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर की वाटर लॉगिंग मेनली उसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता तो वो पॉल्यूशन वो प्रॉब्लम मैनेज हो जाएगी। और लो कॉस्ट सेंसर्स लगा के जहाँ पे फ्लडिंग होने वाली है उसका अर्ली वार्निंग हो जाए, जिससे पहले हमें वार्निंग आ जाएगी इस एरिया में फ्लडिंग होने वाली है। और डी सेटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स की रेगुलरिटी और उसकी मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट पे ध्यान है। बट पाला और वजीराबाद बैराज के बीच में जो प्रोटेक्शन वर्क का काम है वो जल्दी कम्प्लीट करने का प्लान प्रपोज है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऑन साइट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के, खासतौर से जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स या ऑफिसर्स। इसके अलावा सिवेज नेटवर्क को एक्सटेंड करने का, 100% ड्रेन को ट्रैक करने का प्लान है। और यमुना एक्शन प्लान फेज 3 का इम्प्लीमेंटेशन प्रपोज है। बाकी कुछ ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। वाटर कंजर्वेशन करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना और वाटर बॉडीज पॉइंट्स हैं लेक्स हैं उनको रिजनोवेट करने का काम भी प्रपोज है और करा भी जा रहा है। रिज का इको रेस्टोरेशन है, इको टास्क फोर्स बनी हुई है जो अशोका भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मॉनिटर कर रही है कैसी उसका इंफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, और प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए GIS टूल्स, किसकी प्लांटेशन है, किस क्वालिटी की प्लांटेशन है वो ट्रैकिंग करी जा रही है। और एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज है जो दिल्ली में इंस्टीट्यूशन है, उसको ये काम दिया जा रहा है कि वो मॉनिटर करे जो डिफरेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में EV के प्रमोशन का मैंने आपको बताया, इसके अलावा बाइक शेयरिंग, रेंटल, उनको प्रमोट करा जा रहा है। साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियन के लिए अलग लेन्स हों, उनको प्रॉपर नेटवर्क हो उनका रोड्स का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग प्रमोट हो सके। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो EV रेगुलेशन और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी। और एग्रीकल्चर में बेसिकली बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी है जिससे फैटी रेसिड्यू को हम अवॉइड करते हैं, उसके बर्निंग को अवॉइड करते हैं। और इसके अलावा RWAs और NGOs को सपोर्ट किया जाएगा कि वो कंपोस्टिंग और गार्डनिंग को प्रमोट करें। इसके अलावा पैरेंट लैंड में जहाँ भी ग्रीनिंग का पॉसिबिलिटी है उसे ग्रीनिंग करा जाएगा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना है जो रूरल एरियाज कुछ बचे हुए हैं दिल्ली में। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और FPOs को सपोर्ट करने का भी प्लान है। और एक नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ ऑलरेडी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर दिल्ली का हेल्थ और क्लाइमेट चेंज का एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है और अब वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं।
सारे रिपोर्ट को भी उससे अलाइन करके और ये 17 क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज हैं उनकी मॉनिटरिंग, और इसके अलावा जो हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनका अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस काम किया जाए। ये अलग अलग वाटर जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीज होती हैं, हीट वेव्स के दौरान लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो इन के डिजीजेस के लिए पर्टिकुलर प्लान बन रहा है और जो सर्विसेज हैं वो इस तरह से डेवलप करी जा रही है कि जो बेड कैपेसिटी है जैसे वो एम है ऐसा कि बफर हो 10% कि अगर थोड़े ज़्यादा लोग भी बीमार पड़ जाएँ और उनको अस्पताल आने की जरूरत पड़े तो बेड्स की कमी ना हो। और जो अर्बन पुअर और वनरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। एक दिल्ली हीट एक्शन प्लान बन रहा है जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो वो जो पर्टिकुलरली समर मंथ्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो उसमें अलग अलग तरह के मेजर्स कौन से इम्प्लीमेंट होंगे जिससे कि हीट से बचाव हो सके और मोर्टैलिटी हो जाती है उसमें डेथ हो सकती है या फिर बीमार पड़ जाते हैं लोग गर्मी की वजह से, उसको कैसे अवॉइड करा जाए उसके ऊपर वो पूरा प्लान होगा। और जैसा सर ने बताया कि ये ड्राफ्ट है, अभी हमें काफ़ी इनपुट्स आए हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स से, वो इनपुट्स इंक्लूड प्लान के सबमिट करेंगे और फिर ये प्लान आफ्टर देयर इनपुट्स ऑल्सो ये फाइनलाइज। तो अभी जैसा कि आपके सामने प्रेजेंटेशन में इन्होंने रखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके जो सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और एक ब्रॉडर पॉलिसी के लिए प्रपोजल आया है, इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को हम लोग पास भेज रहे हैं, उसमें जो भी उनका सुझाव या जो भी आता है उसके बाद इसका डिटेल एक्शन प्लान बनेगा कि जो पॉलिसी ने जो पॉइंट आउट किए हैं उसको कैसे अलग 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 जो 7 सेक्टर्स हैं इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी अप्रूव होकर के आने के बाद इसको हम करेंगे और इसका डिटेल एक्शन प्लान भी हम लोग बनाएंगे जिससे कि इसको दिल्ली के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आज इसको लेकर के एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियंस भी दी हैं जिसको इसमें इनकॉर्पोरेट करके और जल्द ही हम लोग इसे केंद्र सरकार को भेजेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लें। सवाल ये कि दिल्ली में अगर आप 5 बड़ी बातें बताना चाहें कि पॉलिसी में क्या ऐसा करेंगे आप जिससे कि बेहतर हो पाएगा क्लाइमेट, 5 बड़ी बातें इसमें क्या है? नहीं, मैंने आपको 7 सेक्टर्स में बताया है। तो देखिए जो पहली जो बात है कि जो एनर्जी है ऊर्जा को लेकर के, क्योंकि उसकी खपत दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो क्लाइमेट चेंज में जब एनर्जी की जो खपत हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है, उसके लिए दिल्ली के अंदर जो अगर मेजर पॉइंट में हम कहें कि सौर ऊर्जा को कैसे जो है उसको प्रमोट किया जाए उसके लिए सरकार उस पर काम कर रही है, तो एक पॉइंट तो ये होगा कि जिससे कि नेचुरल एनर्जी हम कंज्यूम कर सकें और जो उसका नेचर पे इम्पैक्ट हो रहा है उसको जो है हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा जैसे ख़ास तौर से जो शहरी प्रबंधन है उसमें जो कचरा है कूड़ा का प्रबंधन है उस पर फोकस करने की इसमें पॉलिसी में बात है कि जिससे कि उसके निस्तारण से, क्योंकि उसकी वजह से जो गैसेज बनती हैं जगह जैसे कूड़े का पहाड़ है, तो कूड़े के पहाड़ से जो निरंतर जो गैसेज जा रही हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। जगह 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 पूरे दिल्ली के अंदर जो इसको ये फोकस क्षेत्र होगा कि जिससे उसके निस्तारण को किया जाए और वो 100% करना पड़ेगा अगर इसके इम्पैक्ट को कम करना है जो पॉलिसी में जो टारगेट लिया गया है। उसी तरह से जो पानी का प्रबंधन है, नालों का प्रबंधन है यमुना के अंदर जो है, ये एक फोकस पॉइंट होगा कि जिससे कि उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। वन क्षेत्र को लेकर के सबको पता है कि ग्रीन बेल्ट को कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के ऑलरेडी सरकार काम कर रही है फोकस तरीके से, लेकिन उसको जो है फोकस करके दिल्ली के अंदर जिस तरह से अभी एक जरा सा वो पहला वाला नक्शा दिखाइए जो पहला फर्स्ट
फर्स्ट पेज, हाँ फर्स्ट, इसके पहले, हाँ जस्ट, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी में जो सारा जो अलग अलग सेगमेंट को लेकर के एनालाइज किया गया है, तो अगर आप ये नक्शे में देखें तो नक्शे में थ्री, एक रेड एरिया है, एक ग्रीन है और एक येलो है। तो रेड एरिया जो खास तौर से जो साउथ ईस्ट दिल्ली का जो एरिया है अगर हम देखें और नॉर्थ ईस्ट का, ये दो एरियाज में ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। ग्रीन जो एरिया आपको दिखा रहा है यहाँ साउथ के कुछ हिस्से से लेकर के और नॉर्थ तक, यहाँ ग्रीन बेल्ट ज़्यादा है और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कम है दिल्ली में। येलो जो है वो मिडिल सिचुएशन है। तो दिल्ली के अंदर ये टारगेटेड तरीके से भी एनालिसिस इस पॉलिसी में हो रही है कि उन जगहों पर काफ़ी डिटेलिंग उसमें की गई है कि उन जगहों पर कैसे टारगेटेड तरीके से भी उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये इसमें जो है फोकस तरीके से इसमें काम करने की कोशिश होगी। जैसा परिवहन वाले में तो हमारा टारगेट जो पॉलिसी में है कि 100% ईवी फ्लीट दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, जिसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगभग 2000 के लगभग बसें जो हैं वो आ चुकी हैं। और इन सबका जो हेल्थ है, तो अभी जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं वो ट्रेडिशनल जो बीमारियां हैं उनके लिए ज़्यादातर वो हैं, तो कैसे जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है इनके लिए एक्सपर्ट्स और उनके लिए अलग से बेड और ट्रीटमेंट, तो ये मेजर्स अगर हम देखें तो 5-7 पॉइंट हैं जिसको अगर हम फोकस तरीके से कहें कि इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसमें सर एक सोलर प्लेट की भी बात थी कि सभी छतों को सोलर एनर्जी से इन्वेस्ट किया जाएगा, दिल्ली सरकार की अलग सोलर पॉलिसी है, तो क्या अलग अलग पॉलिसी में भी आपको बदलाव की जरूरत पड़ेगी? निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से चूंकि पॉलिसी देखिए 2019 में जो क्लाइमेट चेंज की दिल्ली सरकार की पॉलिसीज थी, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी, क्योंकि दोनों की इंटीग्रेटेड पॉलिसी होती है, उसको जो नई चुनौतियाँ आई उसके अनुसार केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया सभी स्टेट को और उस पर काम हो रहा है। तो ये इम्प्रूव होने के बाद फिर एक इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज चल रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ये विंटर एक्शन प्लान की क्या तैयारी है? विंटर एक्शन प्लान पे हमने जो फर्स्ट मीटिंग कर ली है और अभी 29 तारीख को विंटर एक्शन प्लान पे सभी एक्सपर्ट्स की हम मीट कर रहे हैं और 5 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स, लगभग जो 33 डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो डिपार्टमेंट जो तैयार कर रहा है अपना पॉइंट वो उनके साथ मीटिंग करेंगे एंड फिर उनको टारगेट दे करके उसे जो है प्रिपेयर करके फिर फाइनल करके अनाउंस करेंगे। तो ये आपने लाइट ट्रैकिंग के लिए पोल्यूशन के लिए जो एक रूम बनाया था IIT की निगरानी में, क्या वो अब है, अभी चल पा रहा है? और नहीं चल रहा है तो फिर अब दिल्ली में विंटर आने वाले हैं, तो विंटर में आपकी क्या तैयारी, आपको लगता है कि वो 29 को आपको सारे एयर पोल्यूशन के पॉइंट बता देंगे? अभी ज़्यादा हो जाएगा अभी तो 29 को विंटर एक्शन प्लान पे ही सारा कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। तो डिटेल